नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल चुके हैं बंगाल के राज्यपाल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस मुलाकात में किन मुद्दों पर बातचीत हुई है। तमाम जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच गतिरोध जारी है, तमाम मुद्दों को लेकर राज्यपाल और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। फिर चाहे वो बंगाल हिंसा हो, बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था हो, या जिस तरीके से 16 अगस्त को खेला होवे दिवस का जो ऐलान है वो टीएमसी की ओर से किया गया है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर गतिरोध लगातार बंगाल सरकार और राज्यपाल के बीच देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको ये बता दें कि पिछले 1.5 महीने में ये तीसरी बार दिल्ली पहुंच रहे हैं बंगाल के राज्यपाल, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। हालांकि इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि ये शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन ये माना जा रहा है कि बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जो रिपोर्ट है वो गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई है। आपको बता दें, जो ममता बनर्जी सरकार की ओर से खेला होवे दिवस का ऐलान किया गया है, देश के कई राज्यों में पश्चिम बंगाल की सरकार ये खेला होवे दिवस मनाएगी, ये घोषणा उनकी तरफ से की गई है, जिसका कड़ा विरोध बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी और इसका कड़ा विरोध किया था। इसके अलावा आपको बता दें, कई साधु संतों ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर ये कहा था कि खेला होवे दिवस, जिसकी घोषणा 16 अगस्त को की गई है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं और इसके लिए कोई दूसरी तारीख निर्धारित की जाए। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री से जो मुलाकात राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने की है उसमें ये जानकारी भी उन्हें दी गई है। तो पश्चिम बंगाल में लगातार खेला होवे की आड़ में किस तरीके से पश्चिम बंगाल में खूनी हिंसा हुई है और हिंसा का ये दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी लगातार बंगाल में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जब बीजेपी कार्यकर्ताओं उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, और हाल ही में बीजेपी कार्यकर्ता की पत्नी के साथ दुष्कर्म का मामला भी सामने आया है, जिसमें टीएमसी के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया क्या है। तो यह है बंगाल में इस खेला होवे की सच्चाई जो लगातार सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में हालात लगातार चिंताजनक बनते जा रहे हैं, लेकिन बंगाल की सरकार ममता बनर्जी इस बंगाल हिंसा पर जवाब देने की बजाय मूकदर्शक बनकर बैठी हुई है। और अब जिस तरीके से राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अचानक ये दिल्ली का दौरा किया है, ये मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है, भले ही राज्यपाल इसे शिष्टाचार भेंट बता रही हूं, लेकिन यह साफ है कि बंगाल में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और उनके परिवार के साथ इस तरीके से उनका उत्पीड़न हो रहा है, वहां उनकी हत्याएं हो रही हैं और यह हिंसा का दौर थम नहीं रहा है। तो कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्री को सौंपी होगी, ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, हाल ही में शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी, जिसके ठीक बाद ये दिल्ली का दौरा हुआ है। तो तमाम बंगाल के ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ममता बनर्जी सवालों में घिरी हुई है, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि ममता बनर्जी का तालिबानी शासन चल रहा है, जो कि संविधान में ही कहीं नहीं लिखा है, संविधान के हिसाब से ही गलत है। तो ऐसे में बंगाल में अब ममता बनर्जी सरकार पर जो मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। और वैसे ही बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, जिस तरीके से ममता बनर्जी तुष्टिकरण और ये रोहिंग्याओं को बसाने का काम कर रही है,
है, इसको लेकर लगातार बंगाल में और पूरे देश में ये आवाज उठ रही है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि बंगाल को कहीं ना कहीं मिनी पाकिस्तान ममता बनर्जी बनाना चाहती है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने 16 अगस्त का दिन चुना है। 16 अगस्त जब जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की थी, जिसके बाद बंगाल से लेकर कई राज्यों में भीषण दंगा और कत्लेआम हुआ था, और उस दिन को ममता बनर्जी ने खेला होवे दिवस का नाम दिया है, जहां बंगाल सरकार खेला होवे दिवस मनाएगी और इसका ही कड़ा विरोध बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। तो एक तरफ बंगाल की सरकार है, ममता बनर्जी है, वहीं दूसरी ओर बंगाल बीजेपी की ओर से एक घोषणा की गई है कि वो 16 अगस्त से दो दिन तक बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस के हमले हैं उनके कार्यकर्ता मारे गए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देगी, और इसके साथ ही शहीद सम्मान यात्रा निकालने की घोषणा भी बीजेपी की ओर से की गई है। लेकिन जो घोषणा खेला होवे दिवस की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की ओर से की गई, साफ तौर पर बीजेपी का यह कहना है कि इस खेला होवे दिवस की आड़ में बंगाल की मुख्यमंत्री सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरीके से घोषणा की गई है कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां खेला होवे दिवस टीएमसी मनाएगी, तो ऐसे में यह हिंसा करने की कोशिश देश के तमाम राज्यों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कर रही है। और यही वजह है कि बीजेपी बंगाल की ओर से इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। राज्यपाल से शुभेंदु अधिकारी ने मुलाकात की, जहां न सिर्फ खेला होवे दिवस का कड़ा विरोध किया गया बल्कि उनकी तरफ से कई शिकायत भी राज्यपाल को सौंपी गई, कई ज्ञापन सौंपे गए, जिसमें माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता की पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, वो मामला अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा है कि इस तरीके से बंगाल में हालात जो हैं वो बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। तो आखिर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से ये मुलाकात क्या रंग लेकर आएगी, क्या कुछ पश्चिम बंगाल में एक्शन हो सकता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा का तांडव जारी है, जिस तरीके से लगातार वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान जा रही है और ममता बनर्जी इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, तो ऐसे में यह जरूरी है कि अब बंगाल की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और चूंकि राज्यपाल लगातार इस का कड़ा विरोध कर रहे हैं, ममता बनर्जी से जवाब मांग रहे हैं, तो ऐसे में राज्यपाल को हटाने की मांग भी कई दफा ममता बनर्जी कर चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख चुकी है, लेकिन अचानक राजधानी दिल्ली में राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ये दौरा जो साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि बंगाल में अब बड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि पिछले 1.5 महीनों में ये तीसरी बार दिल्ली पहुंचे हैं बंगाल के राज्यपाल जब उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, तो ऐसे में क्या गृह मंत्रालय अब बंगाल को लेकर कोई बड़ा एक्शन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगातार लगा रही है, और इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी बंगाल हिंसा को लेकर अपनी जो तमाम रिपोर्ट है वो कोलकाता हाई कोर्ट को सौंप चुका है। इसके अलावा आपको बता दें एनएचआरसी की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो भी अपनी रिपोर्ट बंगाल हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय को सौंप चुकी है। तो बंगाल हिंसा को लेकर तमाम जो रिपोर्ट है, कानून व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई है, तमाम रिपोर्ट फिलहाल गृह मंत्रालय के पास है, तो ऐसे में क्या गृह मंत्रालय और क्या गृह मंत्री से जो मुलाकात राज्यपाल जगदीप धनखड़ की हुई है वो अब बंगाल में बड़े एक्शन की तैयारी में है, ये फिलहाल सवाल बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ बंगाल में बंगाल बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि खेला होवे दिवस वो नहीं मनाने देंगे, जो हिंसा अराजकता गुंडा करती ममता बनर्जी करने की कोशिश कर रही हैं इस खेला होवे दिवस की आड़ में वो नहीं होने देंगे, और शायद यही वजह है कि ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने की है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अपने इस दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से भी मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर बताया है कि किस वजह से उन्होंने पर्यटन मंत्री
मंत्री से मुलाकात की है। विक्टोरिया मेमोरियल पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाई जाए, यानी बंगाल को टूरिज्म के रास्ते जो हैं वो बंगाल के लिए खुले, उस सिलसिले में ये मुलाकात हुई है। तो जाहिर तौर पर दिल्ली का ये दौरा था, लेकिन सबके निगाहें और कयास इस बात को लेकर ही हैं कि क्या बंगाल में अब बड़ा उलटफेर आने वाले वक्त में हो सकता है, क्योंकि बंगाल में ये हिंसा का दौर नहीं थम रहा है और बंगाल की कानून व्यवस्था लगातार चरमराई हुई है, जिस पर ममता बनर्जी कोई एक्शन नहीं ले रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।